देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तुम्हारे पास ये शीट है ना, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये चार्ज है सिग्मा है, और ये पता है इनफाइनाइट है हर डायरेक्शन में ना, हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है ना। इसको शीट की जगह सरफेस लिख दो, अपन सरफेस के कारण निकालते हैं, मतलब एक सरफेस है ये, प्लेन सरफेस ऑफ चार्ज, इन्फाइनाइट सरफेस है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। अब ये जो केस है हमारा, ये प्लेनर सिमेट्री का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस मानते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह का गॉसियन सरफेस मानूंगा मैं यहाँ पे, इसको अपन पिल बॉक्स भी बोल देते हैं। देखो इसका ये सरफेस सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कुछ भी ले सकते हो। इसे ये एरिया तुम्हारा ए है, एरिया तुम्हारा ए है, ये समझो शीट ऐसी है ना, ये तुम्हारी प्लेन जो सरफेस है चार्ज का वो ऐसा है, और तुमने पिल बॉक्स ऐसा माना है अपना, है ना, समझ में आया क्या? वो सिलेंडर ऐसा रखा है, ऐसा सिलेंडर का सरफेस माना है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले उसके परपेंडिकुलर रखा है मैंने पिल बॉक्स को, ये सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर भी तीन सरफेस हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गैस मारो। तो भाई पता ही है भाई, और कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब यहीं रह सकती है बस। तो बताओ पहले वाले सरफेस पे जब ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा पहले वाले सरफेस के लिए? पहले वाले सरफेस पे ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका डी वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये जीरो हो गया। इस वाले सरफेस पे ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या होगा? ई डी है, क्योंकि ए वेक्टर देखो किधर होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा ना ए वेक्टर, और इसका ए वेक्टर क्या होगा? ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ई डी है। अरे भाई ई वेक्टर भी इधर है और डी वेक्टर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है। ए वेक्टर भी हमेशा आउटवर्ड निकलता है, आया समझ में? ठीक है, अब गॉस लॉ लगा दो, इंटीग्रेंट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा ई डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फर्स्ट सरफेस पे, वो तो जीरो हो जाएगा तुम्हारा, और सेकंड सरफेस पे क्या बन जाएगा, ये ई डी ए, और थर्ड सरफेस पे भी ई डी ए बन जाएगा, ये भी अपन ने चेक कर लिया है। फर्स्ट वाला तो क्या है तुम्हारा, जीरो, और सेकंड और थर्ड सरफेस पे ई डी ए आ गया, इक्वल टू क्या है तुम्हारा, क्यू एन क्लोज कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा इंटू ए बाई एफ नॉट, और ये है, ये दोनों इक्विडिस्टेंस माने गए ना, बिल्वे ऑब्वियसली सिमेट्रिकली मानना है तुम्हें, दोनों के दोनों एल बाई टू डिस्टेंस पे, अगर दोनों इक्विडिस्टेंट है तो बोल सकता हूँ ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इधर पे जो होगा वो इधर पे होगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, 2e, और e बाहर भी आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेंट dA इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेंट dA क्या हो जाएगा, इधर पूरे पे करूँगा तो ये पूरा एरिया a दे देगा, 2e a इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, a से a कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता चल गया पिलबॉक्स चाहे मैं सिमेट्रिकल मानूँ या ना मानूँ वो तो सेम रहेगा, क्योंकि इन्फाइनाइट चार्ज पे के कारण, इन्फाइनाइट सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के कारण चेंज नहीं करती, सेम रहती है वो। इन्फाइनाइट प्लेन नॉन कंडक्टिंग, इन्फाइनाइट सॉलिड प्लेन, ऐसे लिख लो, इन्फाइनाइट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, ये मान लेते हैं इसकी विड्थ है डी, ये तुम्हारी इन्फाइनाइट है, ये इस बार ये ऐसा शीट है ना, इसकी थिकनेस भी, इस बार अभी अपन थिकनेस नहीं मान रहे थे, सिर्फ सरफेस मान रहे थे ना, इस शीट की कोई थिकनेस है, ये इस तरह से इन्फाइनाइट है पूरा, इस डायरेक्शन में भी इन्फाइनाइट है और इस डायरेक्शन में भी इन्फाइनाइट है पूरी, ठीक है।
तो अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह निकालनी है। इसमें क्या है कि चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन तुम्हें दो पॉइंट पे निकालना है। सबसे पहले कहाँ निकालना है? आउटसाइड बताओ। इफ आर इज ग्रेटर देन डी वाई टू, आर में कहाँ से डिस्टेंस डिफाइन कर रहा हूँ? यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ। तो बताओ आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसी पी पॉइंट पे बताओ, सच दैट आर इज ग्रेटर देन डी वाई टू। तो देखो फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा जब तुम लगाओगे, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। इसको बस रो के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो तो क्या रहेगा, सिग्मा क्या होता है क्यू बाय ए, क्यू को क्या लिख दोगे रो इंटू वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू डी बाय ए इंटू टू एप्सिलॉन नॉट। तो आगे तुम्हारा रो डी बाय टू एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट ही है ना, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, बस रो के टर्म में लिख दिया। फॉर्मूला तो यही याद रखता हूँ मैं, अगर रो आएगा मैं रो को सिग्मा में बदल देता हूँ, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट याद रखूँगा, इसके लिए वायर के लिए टू के लैम्डा बाय आर याद रखूँगा, कुछ और देंगे तो कन्वर्ट करना आता ही है। तो आउटसाइड वाला तो हो ही गया, इनसाइड पे आ जाओ, करो जल्दी से इनसाइड पे क्या होगा। इफ आर इज लेस देन डी बाई टू, किसी पी पॉइंट पे बताओ विच इज डिस्टेंस आर। तो ये मान लो अपना ऐसा, ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस मान लो ना, ऐसा प्लेनर, ठीक है, जिसका एरिया कैसा है, ए एरिया है, इधर पे सरफेस एरिया है, क्योंकि ये तो इधर भी इन्फाइनाइट इधर भी इन्फाइनाइट है, जैसा पिल बॉक्स माना था ना, कोई बॉक्स मान लो उसमें तुमने रख दिया, ठीक है, एरिया ए है इन दोनों तरफ, हमें पता है भाई बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी होगी तो आउटवर्ड ही, इधर यहाँ पे होगी, यहाँ पर डी ए वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर डी ए वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर डी ए वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर डी ए वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर डी ए वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर डी ए वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अरे छः सरफेस है ना, अगर रेक्टेंगल मान रहा हूँ तो, मतलब क्यूबॉइड मान रहा हूँ तो, ये 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 और ये, इधर तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गए, इन चार पे तो जीरो, कौन से बचे, यही दोनों बचे, तो इंटीग्रेंट ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये तुम्हारा आ जाएगा टू ई ए, ठीक है, ई इंटू ए यहाँ पे, ई इंटू ए यहाँ पे, टू ई ए है ना, क्यू एन क्लोज कितना है तुम्हारा, रो इंटू टू आर इंटू ए, देखो यही है वॉल्यूम, यही होगी ए इंटू टू आर, नहीं होगी क्या, होगी ना, क्योंकि सिमेट्रिक मानोगे ना तुम, अगर इधर आर डिस्टेंस माने तो इधर भी आर मानोगे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम बोल पा रहे हो, वरना अलग अलग आ जाएगी। तो ए से ए गया, टू से टू गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, रो आर बाई, वही बोला था ना, है कुछ डाउट इसमें, कैसा आ जाएगा ग्राफ, आर से डी तक नहीं, डी बाय लीनियर आएगा, फिर बस इतने ही फॉर्मूले थे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के। और देखो याद करना बहुत आसान है ना, आउटसाइड के लिए तो याद रहता है, आउटसाइड के लिए चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, सब कुछ पॉइंट चार्ज बन जाते हैं, सिलेंडर लाइन चार्ज बन जाता है, ठीक है, और सरफेस के कारण तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इनसाइड में क्या करना है, स्फीयर है तो रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, सिलेंडर है तो रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये शीट है तो रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर हमेशा लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा है, हमेशा कुछ भी हो तो आसानी है फॉर्मूला, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है।